किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा कर सत्ता में आई प्रदेश सरकार की जय किसान फसल ऋण माफी योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक किसानों को न्यायालय के माध्यम से नोटिस जारी कर लोक अदालत में बुलाया जा रहा है, जबकि इन्हीं किसानों से कर्ज माफी के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। और तो और, ऐसे किसानों को नोटिस भेजा गया है जिनका कर्ज 2 लाख से कम का है। ऐसा ही मामला राजगढ़ जिले में सामने आया है, जहां खिलचीपुर तहसील के भरतपुरा गांव में रहने वाले 25 से अधिक कर्ज में डूबे किसानों को खिलचीपुर SBI बैंक की ADB शाखा से लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण समझौते के आधार पर निपटारा कराने के लिए नोटिस जारी किए हैं। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। तो उसमें ये है कि मैंने DR से भी बात करी थी, तो उनके यहाँ से सहकारिता विभाग से कहीं से भी इन्हें जो सोसाइटी और इन्होंने किसी ने नोटिस जारी नहीं करे। ये कॉमर्शियल बैंक ने नोटिस जारी करे हैं, तो उनके यहाँ पे कोई माफ़ी का आया नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जारी करे। और लोन पुराना है तो जमा तो वो तो करना पड़ेगा सर। लेकिन लफड़ा फसल भी खराब हो गई, ऐसे में किसान कहाँ से जमा, फसल भी खराब हो चुकी है इस साल उनकी, तो जमा कहाँ से करेंगे? बात सही है, शासन से कोई आदेश आ जाएगा तो भी उनकी जमा। लेकिन इनका कहना है कमलनाथ सरकार ने जो ऋण माफी नहीं, तो जो इन्होंने सहकारिता बैंक, सहकारिता वाली जो बैंक थी, इनसे लिए तो वो तो माफ हो गया और उनको पैसा भी मिला है। और आज सवाल ये कॉमर्शियल बैंक का, तो कॉमर्शियल बैंक में भी वहाँ से सेंट्रल से माफ होगा, जब तो माफ होगा। बैंक की तरफ से आपने उनको नोटिस जारी किया? बैंक ने उसमें NLA द्वारा ये जारी किया कर दिया गया है नेशनल लोक अदालत के, इसमें ऋण माफी का जब भी पैसा आएगा तो उसके खाते में जमा होगा, वो बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या अभी जो आपने नोटिस दिए उसके तहत क्या उनको पेमेंट अभी जमा करना पड़ेगा? यदि वो समझौता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अभी जैसे मान लो किसान कह रहे हैं उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, फसल भी खराब हो गई है इस साल उनकी, तो ऐसे में नोटिस दिए हैं तो क्या पैसा जमा करना जरूरी है? नहीं, अभी जरूरी तो नहीं। फिर नोटिस जारी कैसे हुए हैं सर? और क्या ऋण माफी में इनका नाम आएगा? ऋण माफी योजना के तहत इनके 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होना था, ये तो संबंधित किसान को भी पता होगा कि उसका नाम उसमें गया है या नहीं है, मुझे चेक करके देखना पड़ेगा ये। क्या नाम है तुम्हारा? विजय सिंह। कौन से गांव का? भरतपुरा। क्या क्या हुआ विजय सिंह? ये बैंक वाले हमारे घर पर नोटिस देके गए और कहके गए कि ये कर्जा है जो तुम्हारा जमा करो और लोक अदालत में आओ और ये कर्जा जमा करो, और जो भी कांग्रेस सरकार ने वादों करी तो जो फार्म भरी था हमने पहले, तो वो वादा पूरा है वो भी नहीं हुआ, और सब नोटिस देके गए हमें बैंक वाले। हाँ, कितना कर्जा था? 63,000 का कर्जा था। अच्छा, माफ नहीं हुआ? माफ नहीं हुआ सर। फार्म भी भरा था? फार्म भी भर दिया। हाँ, तो अब क्या हो, अब क्या स्थिति है? अब हमारे पास अब फसल भी नहीं आई, हम काई में जमा करा सर, फसल तो हमारी नष्ट हो गई सारी, सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन थी जो हमारी फसल में फल ही नहीं आया, हम काई में जमा, में तो यूँ भूखा मरने की स्थिति है टाइम टाइम पे। मक्का न सोयाबीन कुछ भी हमारे पास पूरे गांव वालों के पास नहीं आया। गांव में से कितने लोगों को नोटिस मिला है? 25-30 लोगों को नोटिस मिला है साहब। सब परेशान है? सब परेशान है किसान सभी, गांव पूरे गांव का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।